बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजस्थान अलवर जिले के शाहजहांपुर बॉर्डर पर राज्य सरकार की ओर से 10 मई से कड़क लॉकडाउन की पालना हो रही है। इसके चलते रोडवेज बसें, निजी वाहन भी बंद करवा दिए गए हैं। इसका बुरा असर मजदूरों पर पड़ रहा है। वाहन ना मिलने से और काम बंद होने से मजदूर अपने गाँव शहरों की ओर पैदल ही निकल रहे हैं। शाहजहांपुर बॉर्डर से हरियाणा के रेवाड़ी रेलवे स्टेशन तक के रास्ते में पैदल चल रहे मजदूरों के जत्थे देखे जा रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि वो जहां काम करते थे वहां का काम बंद होने से उन पर भुखमरी की बारी आ गई है, इसलिए वो पैदल ही अपने गांव की ओर जा रहे हैं। एक्सप्रेस वन न्यूज़ के लिए अलवर लक्ष्मणगढ़ से गिरिराज प्रसाद सोलंकी की रिपोर्ट। कहाँ जाओगे आप? एमपी में जाना। कहाँ जाना है? एमपी। एमपी पैदल ही जाओगे वहाँ तक? क्या करो, बस नहीं मिल रही। क्या आप लोगों को पता नहीं था क्या लॉकडाउन लगने वाला है? इतनी तारीख को आप पहले नहीं जा रहे हैं? हमको पता नहीं पड़ा, कल से पता पड़ा लॉकडाउन लगा है। तो बोला आज बस मिल जाएगी तो चले जाएंगे। बस तो फिलहाल बंद है, तो आप कैसे जाएंगे? इतनी दोपहर में धूप पड़ रही है, कोरोना का प्रकोप भी है, क्या करें? जाना पड़ेगा। अभी लॉकडाउन पहले जैसा 3 दिन का लगा था तो 3-4 महीने निकाल दिए, तो उसकी वजह से अभी 7 दिन का लॉकडाउन पूरे भारत में लगा हुआ है। क्या पता फिर ज़्यादा भी बढ़ जाए, इसकी वजह से हम निकल गए। नाम क्या आपका? मोहनलाल। कहाँ के रहने वाले हो? मैं रतलाम ज़िले का। लॉकडाउन हुआ है तो किस तरीके की व्यवस्थाएँ हैं पूरी यहाँ पर? राज्य सरकार के जारी गाइडलाइन की पालना में श्रीमान पुलिस अधीक्षक जिला भिवाड़ी के निर्देशानुसार एवं SHO शाहजहांपुर के निर्देशानुसार COVID-19 चेक पोस्ट पर आउट स्टेट से आने वाली सभी गाड़ियों को रोककर उनसे RT-PCR रिपोर्ट चेक की जा रही है। तदनुसार उनको गाइडलाइन के अनुसार समझाइश की कर वापस रिटर्न किया जा रहा है एवं विकट परिस्थितियों के अनुसार जो मेडिसिन हैं आवश्यक सेवाओं में आती हैं या हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं उनको पास दिया जा रहा है एवं जो भी राज्य सरकार की गाइडलाइन है उनके अनुसार कार्य किया जा रहा है।